एफसी स्टूडियोज आज एक्सप्लेन कर रहा है 2018 की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है माय टीचर माय ऑब्सेशन। कहानी शुरू होती है एक वॉचमैन से। वो अपना काम खत्म करके जाने वाला था, तब उनको लॉकर रूम से एक आवाज आती है और वो चेक करने के लिए अंदर जाता है। तब देखता है कि एक लड़की ने मदद के लिए पूछ रही है, लेकिन तभी दूसरी लड़की आती है और उसे भागने को कहती है। अगले सीन में हम कायला नाम के एक लड़की को देखते हैं। वो स्कूल के ईयर बुक के लिए सबका फोटो ले रही है। तब कायला ने क्रिस को देखती है। क्रिस उस स्कूल की नया इंग्लिश टीचर है और कायला ने उनसे आकर्षित होती है। लेकिन ट्रिशा नाम का एक और लड़की भी क्रिस को देख रही होती है। वो भी उनसे आकर्षित हुई है और मन में सोच रही है कि 2-3 दिन में पटाने की। और क्रिस ने लगभग हर लड़की का नया क्रश बन जाता है। और जब क्लास खत्म होता है, तभी ट्रिशा ने क्रिस के साथ फ्लर्टिंग करना शुरू करती है। अब हम कायला को देखते हैं। वो अभी अपने डेली हैंगआउट करने जगह जाती है। वहाँ एक लड़की को देखती है और उसका नाम रिले होती है और उनसे अपना इंट्रोड्यूस करके दोस्ती करती है और दोनों बातचीत करने लगते हैं। तभी रिले ने बताती है कि वो क्रिस की बेटी है। दोस्त बनने के बाद केला रिले से पूछती है कि क्या मैं एक ग्रुप स्टडी के लिए तुम्हारा घर आ सकती हूँ, क्योंकि इससे क्रिस को सेड्यूस करने के लिए आसान होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्याला ने क्रिस से और आकर्षित होते जा रही है और क्रिस की ज्यादा ज्यादा फोटो लेती जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं कायला घर वापस आती है और उसकी माँ को देखती है। उसकी माँ ने डेटिंग जाने के लिए रेडी हो रही है और उसकी माँ ने डेटिंग के लिए एक नई ड्रेस भी खरीदी है। और उस रात कायला अपना सपना में क्रिस के साथ गपा गप करती है। अगले दिन वो रिले के घर जाती है और वहाँ वो कोई समय बर्बाद नहीं करती है और रिले से क्रिस के बारे में पूछने शुरू कर देती है। उसके बाद रिले सब कुछ बताती है कि उसकी माँ ने क्रिस को धोखा दे रही थी, जिसके कारण क्रिस ने उनसे डाइवोर्स ले लिया है और उसके बाद वो यहाँ आए हैं। और कायला भी अपने पिता के बारे में रिले को भी बताती है। जब वो सिर्फ 6 साल की थी, उनके पिता भी उनको छोड़कर चले गए हैं। और इसी बीच जब रिले बाथरूम में जाती है, तो कायला सीधे क्रिस के कमरे में जाती है और क्रिस के साथ गपा गप करने की सपना देखने शुरू करती है। और अगले सीन में हम देखते हैं ट्रिजिया को। वो अभी भी क्रिस को आकर्षण करने का कोशिश कर रही है। वो उसके साथ फ्लर्ट करती देखती है, लेकिन क्रिस को ये सब समझ में नहीं आता है। क्लास होने के बाद ट्रिशा ने रिले के पास जाती है और उनसे दोस्ती करती है। और तभी कायला ने उनको एक साथ देखती है और जेलस महसूस करती है। अब कायला ने रिले के पास आती है और रिले को वार्निंग देती है कि ट्रिशा ने एक खतरनाक लड़की है और क्रिस के साथ कुछ करने के लिए सोच रही है। वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। पहले एक हिस्ट्री टीचर के साथ उनकी अफेयर थी और उस अफेयर की वजह से उस टीचर का करियर बर्बाद हो गया है और इस स्कूल को भी छोड़ के गया है। कायला रिले को कॉल कराती है और तब उसको पता चलता है कि रिले की बर्थडे आने वाला है। तब कायला सुझाव देती है कि उसे अपने घर पर बर्थडे पार्टी अरेंज करना चाहिए और कायला ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करेगी। और वो फिर बातचीत को क्रिस के ऊपर बदल देती है और उसके डेटिंग के बारे में पूछताछ करनी शुरू करती है। और तब उसे पता चलता है कि क्रिस ने किसी लेडी के साथ डेटिंग कर रहा है और वो कोई नहीं है बल्कि उसकी माँ है। उस समय पैर वो क्रिस को अपनी माँ के साथ फ्लर्टिंग करते हुए देखती है और डिनर करते हुए सोचती है कि इस डेट को बदनाम करने की और डिनर टेबल पे तोड़फोड़ करके क्रिस की कपड़े गंदे करती है और इसकी वजह से क्रिस उस रात वही पैर बिताने में मजबूर करती है। अब कायला क्रिस से नजरें नहीं हटा पा रही है, लेकिन वो अपनी माँ और क्रिस को फ्लर्टिंग करते हुए नहीं देख सकती और अपने कमरे में वापस चली जाती है। तब वो जानती है कि उसकी माँ और क्रिस बाहर जाने वाले हैं। इसको बदनाम करने के लिए एक ड्रामा शुरू करती और बोलती है कि कोई उसे उसके कमरे में कपड़े बदलते हुए देख रहा था और मुझे डर लग रही है और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। और उसका प्लान करप करने में सक्सेस होती है। तब उनको पता चलती है कि रिले उसकी चेतावनी के बावजूद भी ने ट्रिशा के साथ घूम रही है। और अगले दिन सुबह क्रिस ने कायला को स्कूल ले जाने की पेशकश करता है, क्योंकि वो भी रिले को पिक करके स्कूल जा रहा है। जब तक वे रिले के आने की वेटिंग कर रहे हैं, तब कायला
अपने क्रिस के साथ फ्लर्ट करना शुरू करती है और उसे बताती है कि वो अब बड़ी हो गई है और जो चाहे वो अपनी मर्जी से कर सकती है। उनकी बातचीत के समय रिले उनसे आती है और वे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अब स्कूल में केला ने रिले को बताती है कि ट्रिशा ने तुम्हारा पिता को पटाने के लिए तुझे इस्तेमाल कर रही है और मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ। तब रिले ने बताती है कि मुझे ट्रिशा ने बोली ये सब झूठ है और मैं हिस्ट्री टीचर के साथ फ्लर्ट नहीं किया था, और ये भी बोली है कि केला ने ये सब कुछ किया था। और तब कायला ने इस बात से इनकार किया और रिले के साथ रूडली बिहेव किया, और केला ट्रिशा को छोड़ने के लिए धमकियां देती है। बाद में कायला ट्रिजिया का सामने आती है और उसे रिले से दूर रहने की धमकी देती है, लेकिन ट्रिजिया उससे डरती नहीं है और पीछे हटने से इनकार कर देती है। उसके बाद केला घर चला जाती है और उस रात अपनी न्यूड फोटोस ले लेती है। अगले दिन केला जब स्कूल आती है सीधा जाके अपना लॉकर खोलती है और उस लॉकर उन फोटोस से भरी हुई है जो उसने रात ली थी। तब वो सीधे क्रिस के पास जाती है और क्रिस उसे विश्वास दिलाता है कि वो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढेगा। तब रिले उन दोनों को देखती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कायला और रिले एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तब कायला से यह भी पता चलता है कि यह वो थी जो हिस्ट्री टीचर के साथ सोई थी, और यह दावा करती है कि उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अब हम देखते हैं कि कायला की माँ क्रिस से मिलने के लिए तैयार हो रही है। तब कायला क्रिस के फोन की जांच करता है जब वो शौचालय में होता है और ट्रिजिया के निजी विचारोत्तेजक संदेशों का पता लगाता है। जब क्रिस शौचालय में जाता है तब केला ने उसका फोन चेक करना शुरू करती है, और तब उसको पता चलता है कि ट्रिशा ने क्रिस के साथ चैटिंग कर रही है और उस मैसेजेस को उसकी माँ को दिखाती है, और ये देखकर उसकी माँ ने क्रिस को गाली देती है और उससे ब्रेकअप करती है। इसे देखकर दूसरी तरफ कायला सिचुएशन का आनंद ले रही है क्योंकि उसकी माँ आखिरकार उसके रास्ते से हट गई है। वो फिर क्रिस की ओर बढ़ती है जो अपने ट्रक में बैठा है, सोच रहा था कि वास्तव में क्या हुआ। तब कायला ट्रक के अंदर आती है और क्रिस को सेड्यूस करने लगाती है, और क्रिस इसको रेसिस्ट करता है, लेकिन केला उनको सेड्यूस करने में सफल हो जाती है और उसे इंटीमेट होना शुरू करती है, और दोनों गपागप करते हैं, और कायला को आखिरकार वो मिल गया जो वह चाहती थी और वो बहुत खुश हो जाती है। और यह तब पता चलता है कि यह कायला था जिसने उन मैसेजेस को क्रिस को भेजी थी ट्रिजिया के नाम पे। अगले दिन स्कूल में क्रिस पूरी तरह से क्लास में पाई करवाने में खो गया है। तब ट्रिजिया अभी भी क्रिस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कायला उसे डिस्टर्ब कर देती है। इस बीच में पुलिस क्लास में पहुंचते हैं और ट्रिजिया को अरेस्ट करके ले जाते हैं क्योंकि वे पाते हैं कि जिस फोन से क्रिस को मैसेजेस आ रहा था वही फोन से केला का फोटोज भी ले ली थी। बाद में उस रात कायला पार्टी में जाती है और उसे कुछ प्रेजेंटेशन देती है, और वहां से सीधा क्रिस के कमरे में जाती है और उसे गपागप करना शुरू करती है, और क्रिस अभी भी कायला को रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं कर पाता, और दोनों गपागप करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे गपागप शुरू करने वाले हैं, तब अचानक से उस कमरे में रिले आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखती है, और उसको ये देखकर अचछानी लगती है और वहां से भगाना शुरू करती है, और क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकती नहीं है। तब क्रिस उसके पीछे जाने का फैसला करता है, लेकिन केला उनको जाने नहीं देती है। उनसे बोलती है कि रैली ने शराब पीने का आदत पड़ चुका है, लेकिन क्रिस ये सब सुनता नहीं और रिले को ढूंढने के लिए चला जाता है। अगली सुबह रिले कायला की माँ के पास जाती है और उसको बताती है कि जो कल रात हुई हर बात को। अब स्कूल में क्रिस रिले के साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनती नहीं और उसकी मूड अच्छा नहीं होती है। अब केला का माँ स्कूल पे आती है और क्लास खत्म होने के बाद क्रिस के पास आती है और उसको थप्पड़ मारती है, और वो कायला को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन केला उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। तब कायला अपनी माँ से कहती है कि वह मेजर है और वो जिसे चाहे उसे प्यार कर सकती है, और यहाँ तक बोलती है कि वो और क्रिस प्यार में हैं। तब रिले ने क्रिस के सामने आती है और जानना चाहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्रिस हर चीज के लिए रिले से माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो अब से कायला को नहीं देखेगा। अंत में रिले ने क्रिस को माफ करती है।
अगले दिन कायला ने ट्रिजिया को बुलाती है और स्कूल से पहले उससे मिलने के लिए कहती है। जब ट्रिजिया आती है और कायला उसे फसाना मानती है और खुद को मारना शुरू कर देती है, और यहाँ तक कि उसने ट्रिजिया को फ्रेम करने के लिए अपनी उंगलियाँ भी तोड़ दी और चिल्लाना शुरू करती है। तब रिले और क्रिस वहाँ आते हैं और केला को देखते ही उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। तब केला ने दावा करते हुए कहती है कि ट्रिजिया ने उसको मारपीट किया। उसके बाद ट्रिजिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लेती है और कायला को अस्पताल ले जाते हैं। बाद में रिले कायला को बताती है कि उसके पिता के साथ उसका रिश्ता खत्म हो गया है और केला भी मानती है। उसके बाद वो रिले से उस रात बास्केटबॉल खेल के लिए अपनी यह बुक जिम्मेदारी लेने के लिए कहती है क्योंकि उसका हाथ घायल हो गया है, और रिले उसको एक्सेप्ट करती है। और कायला रिले से ये भी पूछती है कि क्या वो क्रिस से आखिरी बार बात कर सकती है और गुड बाई कह सकती है। तब रिले बाहर जाती है और रिले जाने के बाद कायला क्रिस को बताती है कि ट्रिजिया तो अब गया और क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्रिस इससे इनकार करता है और बताता है कि ये हमारा रिश्ता खत्म हो गया है और मुझे अकेले छोड़ो। तब केला बोलती है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी और उसे याद दिलाती है कि वो उसे हर दिन क्लास में देखना होगा, और इसलिए क्रिस उससे दूर जाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने का डिसाइड करता है और क्लास से अपना सामान लेने के लिए निकल जाता है। तब कायला अस्पताल से एक स्कैल्पेल लेती है और वहाँ से भाग जाती है और स्कूल के पास आती है और रिले से सामना करती है और उसे बताती है कि उनमें से केवल एक ही जिंदा होगा और क्रिस के जिंदगी में भी, और रिले ऊपर चाकू से हमला करती है। फिर वो क्रिस की क्लास में जाती है, वो अपने गले में चाकू पकड़ती है और उसे बताती है कि वे एक साथ रहने के लिए, और उसके बाद कायला से पता चलता है कि वो वही थी जिसने अपने पिछले टीचर के साथ छेड़छाड़ की थी, ट्रिशा नहीं। और रिले अभी भी जिंदा है और मदद पाने की कोशिश कर रही है, और अब क्रिस ने कायला को उससे दूर धकेलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन कायला क्रिस पर हमला कर देती है और जो फिर टेबल पर अपना सिर मारती है और बेहोश हो जाती है। तब एक वॉचमैन ने ये सारे सुनकर आ जाता है और केला को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन केला उसके ऊपर भी हमला करती है। तब वॉचमैन घायल हो जाता है और मदद के लिए मांगता है, और जैसे ही वॉचमैन मदद के लिए दौड़ता है और रिले भी उसे दौड़ने की बोलती है, लेकिन कायला उसे पकड़ लेती है और उसे मार देती है। अब रिले और केला दोनों फाइट करना शुरू करते हैं और केला को हरा देती है। बाद में रिले और कायला दोनों को पुलिस द्वारा अलग अलग एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, लेकिन रिले इस बात से चौंक जाती है कि कायला अभी भी जिंदा है। सीन शिफ्ट होता है कि कुछ महीने के बाद क्रिस और रिले एक नए जगह पर चले गए हैं, और क्रिस एक नया स्कूल पे काम करने के लिए तैयार हो रहा है, जबकि रिले कॉलेज के अपने पहले दिन को लेकर एक्साइटेड है। लेकिन जैसे ही रिले कॉलेज जा रही है और हम एक लड़की को देखते हैं, और वो कायला है, और वो छुपकर क्रिस को फॉलो कर रही होती है, और इस सीन से ये मूवी खत्म होता है। और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।